स्वागत है आप सभी का फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स के इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक, इसमें क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है कि क्रिकेट को ओलंपिक्स में फाइनली अब जाकर शामिल कर लिया गया है। अब जो IOC की बैठक हुई, इंटरनेशनल क्रिकेट ओलंपिक की जो बैठक हुई मुंबई में, वहां पर उस बैठक में दो वोट जो है वो अपोज में पड़े कि क्रिकेट को शामिल ना किया जाए, बाकी सारे वोट जो है वो क्रिकेट के पक्ष में पड़े कि भाई क्रिकेट को शामिल किया जाना चाहिए उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए, क्योंकि ओलंपिक्स में जनरली उन खेलों को महत्वता या इंपॉर्टेंस दी जाती कि भाई वो कितने पॉपुलर हैं या नहीं है, और इसीलिए इस बार क्रिकेट पर मुहर लग गई। और कुछ दिन पहले से रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई क्रिकेट को शामिल करने की जो प्रोसेस होती वो स्टार्ट हो गई है, बस ऑफिशियल कंफर्मेशन बाकी है, और मुंबई में वो बैठक में कंफर्मेशन मिल गई। तो अब क्रिकेट 128 साल बाद ओलंपिक्स में शामिल किया जाएगा। 1900 में जब पेरिस में ओलंपिक हुआ था लास्ट, वहां पर क्रिकेट हुआ था, यानी कि 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है। क्रिकेट के साथ पांच और गेम, मतलब क्रिकेट को इंक्लूड करके पांच और जो गेम्स हैं उन्हें इंक्लूड किया गया है, उसमें लैक्रोस है, उसमें स्क्वाश है, उसमें फ्लैग फुटबॉल है, ये सब जो गेम्स हैं वो क्रिकेट को साथ में रखकर इन पांच गेम्स को इंक्लूड किया गया है। और वहां पर जब ये मीटिंग हुई और जब वहां पर IOC की तरफ से जब बयान आया तो उसमें ये कहा गया कि भाई विराट कोहली के कारण क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल किया गया, क्योंकि विराट कोहली की जो पॉपुलैरिटी है वो क्रिकेट को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है ओलंपिक्स में शामिल कराने के लिए। ये बयान ऑफिशियल है कि उसमें ये कहा गया है कि विराट कोहली के 340 मिलियन फॉलोवर्स हैं सोशल मीडिया पर और थर्ड मोस्ट एथलीट हैं वो फॉलोवर्स के मामले में, और जिस तरह से अमेरिका में भी उनकी पॉपुलैरिटी है तो उसी को देखते हुए IOC ने डिसाइड किया कि यार क्रिकेट को मतलब शामिल किया जाना चाहिए। और जो पोस्टर बॉय हैं क्रिकेट के वहाँ पर ओलंपिक्स में वो विराट कोहली ही हैं। जब IOC की कमेटी ने जब वो ऑफिशियल ट्विटर पर पोस्ट किया, जो अब पहले ट्विटर कहलाता था अब एक्स कहलाता है, वहाँ पर क्रिकेट के पोस्टर बॉय में विराट कोहली की फोटो है, तो यानी कि आप समझिए कि विराट कोहली कितने बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। हालांकि 2028 तक विराट कोहली क्रिकेट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे अब तक श्योरिटी नहीं है, हो सकता है वहाँ पर लगभग दो फॉर्मेट्स वो छोड़ जाएं, आखिर में टेस्ट खेलते रहें क्योंकि टेस्ट उनको बहुत पसंद है, प्रिय है, और हमने अक्सर देखा है कुछ खिलाड़ी जो है वो जब टेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो वनडे T20 छोड़ देते हैं, और ये लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक खेला जाएगा वो T20 फॉर्मेट में होगा। तो विराट कोहली वहाँ पर खेले या ना खेले, बट टीम इंडिया गोल्ड की बहुत बड़ी दावेदार रहेगी। आपने एशियन गेम्स में देखा, अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों में ही भारत गोल्ड जीत कर लाया था, वहाँ पर भी कई टाइम बाद भारत की टीम भेजी गई थी और वहाँ पर भारत गोल्ड जीता। और ओलंपिक्स में भी अगर भारत आता है, अगर सीनियर टीम भी आती है या फिर अगर जूनियर टीम भी आती है, तो भी गोल्ड की बहुत बड़ी दावेदार भारतीय टीम रहेगी। और थैंक्स IOC कमेटी को कि भाई उन्होंने क्रिकेट को इंक्लूड कर लिया। अब लेट्स सी 2028 तक कौन से खिलाड़ी भारत के जो अभी खेल रहे हैं इस वर्ल्ड कप में वो कब तक उस 2028 तक क्या वो खेलेंगे, और अगर खेलेंगे तो क्या वो टीम में जाएंगे या नहीं जाएंगे। बट विराट कोहली के कारण ये क्रिकेट जो है वो ओलंपिक्स में एंटर किया गया है, ऐसा सोशल मीडिया पर भी चर्चा है। और लेट्स सी, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।